और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां अमेठी में रहने वाली युवक की गला रेत कर हत्या का मामला सामने आया है। युवक की हत्या अयोध्या में की गई, जहां वो रिश्तेदारी में गया हुआ था। युवक मंदिर के प्रांगण में सो रहा था, जहां सुबह लोगों ने उसका शव देखा। मामले को लेकर परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी है। वहीं घटना की जानकारी लगते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू की। जिस जगह पर युवक का गला रेता गया, वहां घटनास्थल पर काफी अधिक खून बिखरा हुआ था। इसी बीच बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। वहीं वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। हत्या करने वालों की पहचान अभी तक पुलिस नहीं कर सकी है। वहीं साक्ष्य संकलन के लिए फॉरेंसिक टीम की भी मदद ली जा रही है। आपको बता दें कि अमेठी जनपद के अंगूरी गांव के सिवरतगंज निवासी पंकज शुक्ला कुमारगंज के भुआपुर में अपनी ननिहाल में तकरीबन 6 माह से रह रहे थे। इसी बीच शनिवार को गर्मी और बिजली न आने पर वो रात में घर के बाहर बने हनुमान मंदिर परिसर में सोने चले गए, जहाँ उनका शव रविवार की सुबह मंदिर के बरामदे में मिला। युवक की हत्या की जानकारी लगने के बाद ही क्षेत्राधिकारी मिल्कीपुर सत्येंद्र भूषण तिवारी, प्रभारी निरीक्षक विवेक सिंह और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। इस बीच गांव में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। वहीं क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि सुबह करीब लगभग 6 बजे थाना कुमारगंज क्षेत्र से जानकारी मिली कि गांव में बने मंदिर में युवक का शव पड़ा है। वहीं सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने जांच की, जिसमें उसके गले पर कट के निशान थे। उन्होंने बताया कि युवक अपने ननिहाल में पिछले 2 महीनों से रह रहा था। वहीं घटना को लेकर आसपास से मिले साक्ष्य को संकलित किया गया है और शव को पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज दिनांक 3 जुलाई 2022 को थाना कुमारगंज क्षेत्र से चौकी देव गांव के अंतर्गत ग्राम भुआपुर से एक सूचना प्राप्त हुई सुबह करीब 6 बजे कि गांव के पास ही बने एक मंदिर में एक युवक की डेड बॉडी पड़ी हुई है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, गले पर उसके कट के निशान थे। इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई कि मृतक की उम्र करीब 35 वर्ष थी। वो यहाँ अपने ननिहाल में पिछले करीब 2 महीने से रह रहा था। घटना की पुलिस द्वारा फोटो वीडियोग्राफी करा के जो भी वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं उनको संकलित किया गया है। शव को पंचनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। इस संबंध में मृतक के परिजनों को सूचित किया गया, उनसे तहरीर प्राप्त करके जो आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो कराई जा रही है।